ओके okay गाइस आप लोगों ने डिविडेंड डिसीजन का ये टेस्ट दिया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया हो आइए डिस्कस करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए था और फाइनली आपके मार्क्स कितने होंगे अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो लाइए जी तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सवाल पहला सवाल क्या कह रहा है अर्निंग्स पर शेयर ऑफ अ कंपनी ईपीएस दिया हुआ है गाइज ई को हम लोग डिनोट कर सकते हैं ई e से कैपिटलाइजेशन रेट को आप के ही कह सकते हो टेन परसेंट है तो कई टेन परसेंट है और ईपीएस जो है टेन रुपीज है कहते हैं कंपनी के पास ऑप्शन है या तो फिफ्टी परसेंट डिविडेंट दैट इज डिविडेंड जो है वो पांच रुपए हो जाएगा या फिर सेवेंटी फाइव परसेंट डिविडेंट पे कर दें इसका मतलब डिविडेंड जो है वो सेवन पॉइंट फाइव हो जाएगा और लास्ट द लीस्ट पूरा हंड्रेड परसेंट कर दें इसका मतलब डिविडेंट पे आउट जो है अगर हंड्रेड परसेंट कर दें तो दस रुपए हो जाएगा अब इस केस में वो कह रहे हैं कैलकुलेट मार्केट प्राइस पर शेयर दैट इज आपको निकालना है वॉल्टर मॉडल के हिसाब से तो वॉल्टर मॉडल का इक्वेशन क्या होता है पी जीरोन के आपने ये देखना है कि जो डिविडेंड्स हैं उसको भी कैपिटलाइज करेंगे प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग्स को भी कैपिटलाइज करेंगे तो ये हम लोगों ने देखना है नो no प्रॉब्लम्स फिर उसके बाद जो है साथ में वो कह रहे हैं uh, अगर इनका आर पंद्रह परसेंट है तो आर अगर टेन परसेंट है तो और आर जो है से है तो गाइस एक में आर मोर देन है तो इधर इस केस में जितना कम डिविडेंड दोगे नहीं दोगे तो बेस्ट रहेगा आर इज इगल टू के ही है ऑल केसेस में शेयर्स के वैल्यू पे और वेल्थ ऑफ द शोल्डर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहां आर लेस देन के ही है इस केस में जो है डिविडेंड्स जितना ज्यादा से ज्यादा दोगे क्योंकि कंपनी उतना कमा नहीं सकती फॉर्म उतना कमा नहीं पा रही जितना शेयर होल्डर खुद कमा सकता है तो इस हिसाब से आपने ये इक्वेशन लिखनी है डी प्लस आर अपॉन के इंटू ई माइनस डी अपॉन के और फिर इसके बाद आपने ये आर तीनों केसेस फिफ्टीन परसेंट टेन परसेंट और फाइव परसेंट में आपने इसी इक्वेशन में जो है अमाउंट फीड कर देने और आपने देखना है कि डिविडेंड्स अगर आर मोर देन के है जितना कम डिविडेंड दोगे उतनी ज्यादा वैल्यू है जैसे डिविडेंड बढ़ाते जाते हो वैल्यू डाउन जाती रहती है डाउन जाती रहती है और इसमें में इस में हर एक केस सेम सेम वैल्यू रहे सेम वैल्यू रहेगी रहेगी चाहे आप भाई फर्म फर्म रिटेन करे करे डिस्ट्रीब्यूट मेक एनी डिफरेंस और यहां आर लेस देन के है, तो पूरा बांट देना चाहिए ये बेस्ट रहता है ठीक है नहीं तो अगर आप रिटेन करके इन्वेस्ट करेंगे तो वैल्यू डाउन यहां पर और फर्दर डाउन जाएगी एंड दैट इज कंक्लूजन सिंपल था तो so, मार्क्स देखिए ये क्वेश्चन जो है फाइव मार्क्स का है तो आधा मार्क तो गाइज मैं आपको इसी चीज का दे दूंगा कि आपने इक्वेशन ठीक लिखी हो और हाफ मार्क हर एक केस के आपने ये वैल्यूज ठीक निकाली हैं ठीक निकाली है तो डेढ़ मार्क यहां हाफ 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 अगेन स्टेप मार्केट में हाफ 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 वैसे आईसीआई जो है वो वन वन मार्क का सिनेरियो रखता है बट जब इतना बड़ा क्वेश्चन हो जिसमें इतने पार्ट्स हो तो हाफ ऑफ मार्क्स अप्रोप्रिएट रहते हैं so तो यू सी व्हाट यू हैव रिटन एंड अकॉर्डिंगली गिव योरसेल्फ द मार्क्स फाइव मार्क्स में से मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि फाइव में से फाइव आए हों लेट्स कॉन्टिन्यू फर्दर

ई दिया हुआ है 18% परसेंट और रिटेंशन बी दिया हुआ है तो इससे आप डी वन निकाल सकते हो या डिविडेंट निकाल सकते हो विल बी बी इक्वल ई वन माइनस डिट इज से डिविडेंट जो है अर्निंग्स तीन रुपए इंटू वन माइनस जीरो पॉइंट सेवन फाइव तो ये डिविडेंट जो है गाइस जीरो पॉइंट सेवन फाइव रुपीज ही बचेगा पचहत्तर तो पैसे तो उसने फर्स्ट में था। में आपको क्या करना है? एक तो डी वन अपॉन के और फिर उसके बाद इसमें फिगर्स फीड कर देने हैं। ये ई e तो हमने ये वर्किंग नोट में निकाला ये देख सकते हैं आप ये अर्निंग्स नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस जो माइनस किया ए आया उसको नंबर शेयर से डिवाइड किया ईपीएस आया रिटेंशन रेशियो जो है आपकी अगर 75 परसेंट है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 25 परसेंट है और डिविडेंड पर शेयर 75 पैसे है तो so, न्यूमिनेटर जो है 75 पैसे आ गया अपॉन के ही मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ 18 परसेंट और जी इज इक्वल टू बी इन आर ये 75 परसेंट अगर मुझे दिया हुआ है और आर मेरे को नीचे दिया हुआ है 22 तो आप कर सकते हैं सेवेंटी ऑफ ट्वेंटी कम्स टू सिक्सटीन एंड दैट विल बी दफ इट So guys, this, uh, तो वंस यू हैव डन दिस फिगर्स फीड करेंगे ये आपका जो है माइनस माइनस डी प्लस आर अपॉन के नीचे आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे हिसाब से डी यही है आर हमारा ट्वेंटी टू परसेंट के 18 है ई माइनस डी ओल अपॉन के ऐसे कर लेना है और ये वैल्यू आ जाएगी so बहुत आसान सवाल उम्मीद है आप लोगों ने यही किया हो सबसे पहली चीज मैं बता दूं मैं आप लोगों ने अगर फॉर्मूला भी ठीक लिख दिया ना कि ई इंटू वन माइनस बी डिवाइड बाई के इसके भी मैं आपको हाफ मार्क दे दूंगा फिर इस चीज का फर्दर आप लोगों को जो है वन एंड हाफ मार्क मैं और दे दूंगा कि भाई आपने अगर ये आंसर सही निकाला है और ये वर्किंग सही करी है तो वन मार्क यहाँ और ये बी एन टू आर जैसे इसका मैं ऐसे कह सकता हूँ टोटल मिला के फर्स्ट पार्ट के आपके टू मार्क्स तो टू मार्क्स इस हिसाब से मैं आप लोगों को दे रहा हूँ उम्मीद है आप लोगों ने यही किया हो वन एंड हाफ ये और ये बी एन टू आर ये आपने यहीं पर दिखाना है या जैसे भी है अलग से दिखाना है इज ये सिक्सटीन पॉइंट फाइव परसेंट यहीं से उठा के हमने यहाँ पे दिखाया है तो टोटल फर्स्ट पार्ट विद इट्स वर्किंग टू मार्क्स का हो गया आधा मार्क मैं आपको इसी चीज का दे रहा हूं कि आपने जो है ये कैलकुलेशन ये इक्वेशन सही लिखी हो फिर अगेन वन मार्क इस चीज का और फाइनल आंसर का भी भाई फीड सही कर दिया फाइनल आंसर सही निकाल दिया और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आपने वर्किंग प्रॉपर दिखाई है इसका वन मार्क और है तो फाइव मार्क्स वन एंड हाफ ठीक है जी और यहां पर जो है ये ये हो गया और दोस्तों दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ये टेस्ट का क्वेश्चन अच्छे से किया हो सारे चैप्टर्स के टेस्ट ऑल टेस्ट कॉस्ट के एफ के सारे के सारे टेस्ट जो हैं हमारी आई जी पी सी एस सी एस सी एम ए की ऐप पे हैं आप रिमेनिंग टेस्ट को अगर अटेम्प्ट करना चाहें तो आप वहां जा सकते हैं आप क्या कर सकते हैं दोस्तों आप प्ले स्टोर पर चले जाएंगे और प्ले स्टोर पर जाके आप डाउनलोड करेंगे आईजीपी की हमारी सी एस वाली ऐप उसको डाउनलोड या इंस्टॉल करने के बाद आपने उस ऐप आप को खोलना है खोलने के बाद उसमें रजिस्टर पे लिंक करना है आपको एक अपना मोबाइल नंबर और एस द केस में भी नेम ई मेल वगैरह डालना पड़ेगा फिर एक ओ आएगा वो ओ फिल कर देंगे आप उसके अंदर और उस ओ को एंटर करने के बाद आपको एप आप पे हमारी जो है डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें कि आप हेल्प डेस्क पे क्लिक करेंगे और हेल्प डेस्क पे क्लिक करके आप अपनी माय एक्सेस डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और फिर एक कोड डालेंगे टेस्ट हंड्रेड और फिर उस टेस्ट हंड्रेड को अप्लाई करने के बाद आपको आपके सी ए इंटरमीडिएट सीएमए एज वेल एज एफ एम के टेस्ट मिल जाएंगे पूरे के पूरे वीडियो डिस्कशन अपना बेस्ट दीजिए बहुत अच्छे टेस्ट बनाए हैं वेराइटी प्रॉब्लम कवर किए हैं पूरे हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स के भी टेस्ट बनाए हैं फिफ्टी मार्क्स के भी बनाए हैं चैप्टर वाइज टेस्ट एग्जाम लेवल के टेस्ट दीजिए और एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए तरफ से बेस्ट विशेष टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल